आइए और जानकारी लेते हैं कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापकों की क्या परेशानी है, किन मांगों को लेकर ये जंतर मंतर पर आए हैं। सर आपका नाम? राजीव पाठक। अरे क्या आप कहाँ से आए? मैं झांसी से। सर आपकी क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आए हैं? हम लोग पूरे प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्र आज यहाँ जंतर मंतर पर दिल्ली में जो धरने में बैठे हुए हैं, जो रोजी रोटी को जूझ रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, उनके आदेश के बाद आज हम लोग सब बेरोजगार हो गए हैं। सरकार की हमारे प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं रही है, सरकार बिल्कुल हम लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रवैया नहीं अपना रही है। हमारे लखनऊ में डेलीगेशन को 3-3 बार बुलाया गया, 5 बार बुलाया गया, और ये कहा गया कि आपका डेलीगेशन और हमने जो कमेटी बनाई है वो मिलकर के वार्ता को करेंगे और मिलकर के बीच का कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया मिलकर के, और बिना किसी हम लोगों के बीच की वार्ता को बुला करके, बिना किसी हमारे डेलीगेशन को बुलाए और 10,000 रुपये मानदेय का कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया। हम पूरे प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र इसका घोर इसकी निंदा करते हैं, और हम ऐसे मुख्यमंत्री को, जिसको हम अच्छा मानते थे कि ये एक संत है, महात्मा है, और ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी हम लोगों को बरगलाएंगे नहीं, ऐसे मुख्यमंत्री के द्वारा इस प्रकार कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और हम यहाँ इसलिए इस मांग को लेकर आए हैं कि हमें पुनः उसी पद पर उसी वेतनमान के साथ हमें पुनः सहायक अध्यापक बनाया जाए, चाहे इसके लिए सरकार को संसद में प्रस्ताव पारित करना पड़े, चाहे इसके लिए MHRD मंत्रालय को अपनी धाराओं में संशोधन करना पड़े। हमें पैरा 4 खा के अंतर्गत हमें वहाँ शिक्षक के सम्मान के रूप में पैरा 4 खा में संशोधन करके पैरा टीचर माना जाए। और हम 2010 से पूर्व से नियुक्त शिक्षक हैं, 1999 से शिक्षा मित्र पद जो है भर्ती हो रही चल रही है, और हम 2010 से पूर्व के नुकते हमको पैरा टीचर मान करके, हमारे ऊपर तो TET लागू होती ही नहीं है, लेकिन इस देश भावना के कारण हम पर TET थोपी जा रही है। हम लेकिन उसको भी करने को तैयार हैं, लेकिन हमें समय दिया जाए। सरकार ने पहले जो भी TETs हुई हैं उसमें कम से कम 3 से 4 महीने का समय दिया जाता था, आज सरकार ने 1.5 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम कराने के लिए 15 अक्टूबर को एग्जाम है, हमें समय नहीं दिया जा रहा है। हमारे संगठन को तोड़ने की साजिश चल रही है, 3-3 धड़ों में संगठन को बांटने की साजिश चल रही है। हम सरकार से इसी के यही अपने सम्मान की लड़ाई के लिए अपने यहाँ बैठे हुए जंतर मंतर में, अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम सड़कों पर निकलने के मजबूर हो जाएंगे, दिल्ली में सड़कों पर निकलेंगे। हम तो भूखे प्यासे, हम तो मर रहे हैं, हम तो सरकार से चाहते हैं या तो हमें नौकरी दो या हमें फांसी दो।